नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में ऐसी 10 जगहों के बारे में जहां आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हमारी लिस्ट में नंबर 10 में आता है तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली में घूमने के लिए एक बेस्ट स्पॉट है। यह जगह अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। यह जगह वैसे तो खंडहर बन चुकी है, फिर भी यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। तुगलकाबाद फोर्ट जाने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी साकेत दिल्ली मेट्रो स्टेशन पड़ता है। यहाँ घूमने का टाइम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 में आता है दमदमा लेक। दमदमा लेक एक बेस्ट स्पॉट है कुछ समय की शांति बिताने के लिए और फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए। इस लेक से अरावली पर्वतमाला का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। दमदमा लेक का डिस्टेंस ITO से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ घूमने का टाइम सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 में आता है लोधी गार्डन। लोधी गार्डन एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन है। यह एक बहुत ही शांति वाली जगह है जिस वजह से आप अपना कुछ समय यहाँ बिता सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग मेट्रो स्टेशन पड़ता है और इसका टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक रहता है। नंबर 7 में आता है अग्रसन की बावली। अग्रसन की बावली एक स्मारक है जो कि CP के पास स्थित है। यह एक गहरी बावड़ी है जिसमें 108 सीढ़ियाँ हैं। ये भी एक बढ़िया जगह है जहाँ आप अपना कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन पड़ता है और इसका टाइमिंग सुबह 7:30 से शाम 6 बजे तक रहता है। लिस्ट में नंबर 6 में आता है राजघाट। राजघाट दिल्ली के एक महत्वपूर्ण स्मारक है जिसे राष्ट्रपिता को समर्पित किया गया है। वो इसलिए क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह जगह घूमने के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण और खूबसूरत जगह है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट पड़ता है और यहाँ का टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक रहते हैं। हमारी लिस्ट नंबर 5 में आता है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल दिल्ली की एक फेमस स्पॉट है जहाँ लोग काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। लोटस टेम्पल का आर्किटेक्चर बिल्कुल यूनिक है जिसका आकार बिल्कुल कमल की तरह है। लोटस टेम्पल गार्डन के बीच में बना हुआ है जिस वजह से इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन पड़ता है और यहाँ का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। लिस्ट में नंबर 4 में आता है हॉजकास। हॉजकास मेन अपनी नाइट आउट लाइफ, कैफे और क्लबिंग के लिए फेमस है। यह जगह बेस्ट है अगर आप अपने पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं। पार्टी लाइफस्टाइल के साथ साथ आप हॉजकास में आप कुछ समय शांति के लिए यहीं पास गार्डन में घूम सकते हैं और इस गार्डन से सामने की लेक का जो नज़ारा है वह और भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन हॉजकास मेट्रो स्टेशन पड़ता है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो भारत की प्राचीन संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह मंदिर इतना फेमस है कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित किया गया है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पड़ता है और यहाँ का टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक है। लिस्ट में नंबर 2 पे आता है इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में तो कोई शख्स ही होगा जो नहीं जानता होगा क्योंकि यह जगह देश और विदेश दोनों जगह फेमस है। इंडिया गेट उन भारतीय सैनिकों के प्रतीक है जिन्होंने विश्व युद्ध 1 में अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है। इस खूबसूरत कृति को भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में गिना जाता है। ये एक बेस्ट जगह है अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 में आता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला। ये वही जगह है जहाँ से हर साल देश के प्रधानमंत्री देश का तिरंगा लहराते हैं। यह किला पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिस वजह से यहाँ पर हर साल लोग काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक पड़ता है और यहाँ का टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।